अब बात करें हम कैंसर को तो ये क्या है हमारी वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेस्ट डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग और ये मेजर कॉज है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब तो जो अफेक्टेड सेल्स होती हैं हमारी यहाँ पर वो रैपिडली ग्रो करती हैं तो सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली ओके और वो न्यू टिश्यू को इनवेड करेंगी रैपिडली ग्रो करेंगी इनवेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू और जो सराउंडिंग में हमारे नॉर्मल टिश्यू होंगे उनको भी डैमेज करेगी उनको भी इन्वेड करेगी ओके अब यहाँ पे टाइप देखें हम या फिर जो जो एजेंट्स हैं कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी बात कर लेते हैं तो जो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहेंगे जो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर को कॉज करने के लिए उनको हम क्या कहेंगे कार्सिनोजेंस एग्जाम्पल है कार्सिनोजन का हम तो रेडिएशन ले सकते हैं जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, है कैंसर करने का ओके और जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो ओनको वायरस कहलाएंगे या ओनकोजेनिक वायरसेस कहलाएंगे अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है तो कार्सिनोमा इज द कैंसर लोकेटेड इन एपिथिलियल टिश्यू तो ये हमारी बॉडी के जो एपिथीलियल टिश्यू होंगे उनके अंदर जो हमारी सेल्स अफेक्ट होती हैं, रैपिडली ग्रो करेंगी, या जो का जो का कैंसर होगा, उसको हम कार्सिनोमा कहेंगे सार्कोमा देखें लोकेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू तो ये कहां पर लोकेटेड होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एंड मस्कुलर टिश्यू तो ये हमारा डिफरेंस है कार्सिनोमा और सार्कोमा के बीच एक हमारा एपिथेलियल से रिलेटेड है और दूसरा कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड होगा क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ